हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक पोस्टर कैसे बना सकते हैं। जैसे हम कोई भी समान प्रतीक का हम पोस्टर बना रहे हैं, वो पोस्टर हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम 12 18 या 8 12 का या 12 8 का इसमें साइज़ ले लेते हैं। जैसे हमें 12 8 का इसमें साइज़ बनाना है, तो 12 और 8 का इसके इंचज के अंदर हम साइज़ दे देंगे और इसका रेजोल्यूशन हम रखेंगे 350। ओके करेंगे। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड लेके आएंगे। आप ग्रेडियंट से, यहाँ से ग्रेडियंट से कोई भी इसका बैकग्राउंड ले सकते हैं। जैसे मैं ये बैकग्राउंड यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके मैं इसका बैकग्राउंड ले आऊँगा। फिर मैं इसके अंदर एक फ़ोटो ऐड करूँगा, ये फ़ोटो इसके अंदर ऐड करूँगा। ये मूव टूल में जाऊँगा यहाँ से और इस फ़ोटो को यहाँ ड्रैग कर दूँगा इस तरह से, और इसको यहाँ से बड़ा करने के बाद इस फ़ोटो को इस बैकग्राउंड के अंदर मिक्स कर दूँगा। मिक्स करने के लिए यहाँ इस टूल, रबड़ के इस टूल में जाएंगे और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। ऐसे माउस से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, लेफ्ट राइट ब्रैकेट से इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। तो इस तरह से ये फ़ोटो हमारी इसके अंदर मिक्स हो गई। अब इसके अंदर हम नाम लिखेंगे, जैसे हम श्याम मित्र मंडल नाम लिखना है हमें यहाँ पे। यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और मूव टूल में जाके यहाँ से इसको इस तरह से कंट्रोल टी दबा के, एल्ट और शिफ्ट दबा के रखना है और इसको छोटा या बड़ा किस तरह से कर सकते हैं। अब हमें इसके अंदर ग्रेडियंट दे सकते हो आप कोई भी, या इसके अंदर कलर चेंज करने के लिए ग्रेडियंट लेयर में जाके ले स्टाइल और ग्रेडियंट ओवरले, यहाँ से हम ग्रेडियंट ये दे दिया इसका रेड कलर का। अब इसके अंदर हम नीचे जो इसका ड्रॉप शेडो देंगे, यहाँ से लेयर में जाएंगे, ले स्टाइल और ड्रॉप शेडो, इस तरह से स्ट्रोक में जाएंगे यहाँ से, और कलर जो है यहाँ पे वाइट रख सकते हो या आप पीला भी रख सकते हो इस तरह से। जैसे मैं इसके अंदर ये येलो कलर दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी हम साइज इसका बढ़ा देंगे इस तरह से। इतना हमारा स्टेप हो गया। और इसके बाद हमें समान प्रतीक यहाँ पे लिखना है जो भी है, यहाँ पे हम समान प्रतीक लिख देते हैं। ये समान प्रतीक हो गया। इसका हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया इस तरह से। मूव टूल में जाके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप इसके अंदर डिजाइन दे सकते हो। इस टूल में जाएंगे हम और यहाँ से इसको इतना, इस तरह से हम डिजाइन बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, यहाँ से नई लेयर बनाने के लिए शिफ्ट और बैक स्पेस दबाएंगे, यहाँ से ओके करेंगे, या आप एडिट के अंदर जाके भी फिल कर सकते हो। ओके करेंगे यहाँ से, तो ये इस तरह से हमारे पास लेयर तैयार हो जाएगी। कंट्रोल डी करके ये सिलेक्शन हटाएंगे और अब कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट से इसको इसके पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। तो ये हमने बना लिया समान प्रतीक। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, इसके अंदर आप डिजाइन भी दे सकते हो। जैसे इसके अंदर मैं डिजाइन दे रहा हूँ, लेयर टू के अंदर फिल्टर में जाएंगे, ब्लर और यहाँ से मोशन ब्लर। ये मोशन ब्लर का इसके अंदर थोड़ा सा हमने इफ़ेक्ट दे दिया, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इस फ़ोटो को हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि ये इसके अंदर एडजस्टमेंट हम सही कर सकें। और रबड़ के स्टूल में जाके इसको इतना मिक्स कर लिया। अगर इस रबड़ को बड़ा छोटा करना है तो हमें ब्रैकेट का बटन दबाना है, लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट, इस तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ से इस समान प्रतीक को थोड़ा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी दबाएंगे और एल्ट और शिफ्ट हमें एक साथ दबा के रखना है और माउस से इस तरह से इसको खींच के बड़ा कर देना है। आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। लेयर में जाएंगे, ले स्टाइल और ग्रेडियंट ओवरले, यहाँ से ग्रेडियंट आप कोई भी कलर का देख सकते हो इस तरह से। जैसे हमने ये इसके अंदर दे दिया। अब इसके अंदर इनकी एक लाइन है कि यहाँ पे
कीर्तन करवाया जाता है, जैसे मंडल द्वारा कीर्तन यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे। ये हमने इसके अंदर एक लाइन ऐड कर दी। इसके अंदर यहाँ से ये जो लाइन है इसको लाइन को इसके नीचे ले आएंगे, एल्ट दबा के इस तरह से कॉपी कर लेंगे इसकी। इस लेन को, इस लेयर टू को हम सिलेक्ट करेंगे और एल्ट दबा के इसकी कॉपी करके हम इसको नीचे के नीचे ले आएंगे इस तरह से। कंट्रोल टी करके इसको बढ़ा देंगे इस तरह से। आप इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं और कोई भी कलर इसके अंदर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ इसको एडजस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको इस तरह एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर कलर चेंज कर रहा हूँ, लेयर स्टाइल और ग्रेडियंट ओवरले। इसके लिए आपको इसको पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर इसका कलर हम चेंज करेंगे। इसे मैं इसका ये कलर रखना चाहता हूँ, ओके करेंगे यहाँ से। अब मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनके नाम यहाँ पर हमने लिखने हैं, ये हमने ले लिया, छोटा कर लिया इसको कंट्रोल टी से। जैसे अध्यक्ष है इसके अंदर, एक इसके अंदर उपाध्यक्ष है, यहां से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ऑटो कर लेंगे यहां से। इनके सचिव है, इस तरह से हमने ये बना लिया। आप इसके अंदर कुछ और डिजाइन देना चाहते हो डिजाइन दे सकते हो। जैसे इसके अंदर इस फोटो को सेलेक्ट करके हम इमेज के अंदर जाके एडजस्टमेंट और यहाँ से वेरिएशन इस फोटो के अंदर दे सकते हो। इस तरह से फ़ोटो के अंदर वेरिएशन दे सकते हो। इस फोटो को आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट यू से इस तरह से, तो ये अच्छा लगेगा और भी। और ब्लैक एंड करने के बाद भी आप यहाँ से इमेज एडजस्टमेंट करके यहाँ से वेरिएशन दे सकते हो, कोई भी आप इस फोटो के अंदर वेरिएशन दे सकते हो। अगर आप कलर रखना चाहते हो आप, तो इसके अंदर कलर भी रखना चाहते हो तो आप कलर रख सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। आप इसका बैकग्राउंड भी कलर चेंज कर सकते हो, इस बैकग्राउंड का। जैसे मैं इसके अंदर ब्लैक अगर करना चाहता हूँ यहाँ से, अगर ये कलर करना चाहता हूँ तो इस तरह से कलर चेंज करूँगा, एडिट में जा के फिल कर दूँगा और ओके कर दूँगा। ऐसे हमने इसका कलर चेंज कर लिया। अगर इसका हमने डार्क किया तो इनका भी कलर हमें लाइट करना पड़ेगा। जैसे टी के टूल में जाएंगे तो यहाँ से कंट्रोल ए करके यहाँ से इसको वाइट कर देंगे तो इसका कलर सफ़ेद हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके यहाँ से वाइट कर देंगे और टी में जाके और यहाँ से कंट्रोल ए करके यहाँ से भी इसका कलर हम सफ़ेद कर सकते हैं इस तरह से।
तो दोस्तों इस तरह से हम कोई भी पोस्टर और सामान प्रतीक किस तरह से बना सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है और आप इस तरह से डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।